आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर से जिसका नाम है लाइट। ये 10th ग्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो इस चैप्टर को समझने से पहले या स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो लाइट है ये एक्चुअली होती क्या है। सो जनरली स्पीकिंग अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करें यहां पे, तो लेट सपोज जब भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमारी एकदम से बंद हो जाती है, चाहे वो हमारे ऑफिसेस की हो या हमारे घरों की हो या स्कूल्स की हो या कहीं की भी हो, जहां पर भी हम उस टाइम प्रेजेंट होते हैं, सो हम जनरली बोलते हैं कि लाइट चली गई। और पावर सप्लाई फेलियर तो बहुत कम ही यूज करते हैं हम भी जनरली से कि लाइट चली गई। सो ये जो लाइट है वो भी एक काइंड ऑफ लाइट है। और जो रेनी सीजन में जो बिजली बेसिकली थंडर स्टॉर्म्स के टाइम अगर हम जो लाइटनिंग देखते हैं जिसको हम बिजली बोलते हैं हिंदी में, वो भी एक काइंड ऑफ लाइट है। और जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आ रही है वो भी एक फॉर्म ऑफ लाइट है। सो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आ रही है उसको भी हम लाइट बोल रहे हैं। और जो थंडरस्टॉर्म के टाइम पे जो लाइटनिंग होती है उसको भी हम लाइट बोल रहे हैं। सो ये जो लाइट है ये हम अलग अलग चीज को अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में डिनोट कर रहे हैं एज लाइटनिंग। सो बेसिकली यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो लाइट है ये एग्जैक्टली है क्या। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में बोलूं तो आप कह सकते हैं कि लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू हम दूसरी चीजों को देख सकते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे नियर बाय काफी अप्लायंसेस हैं, लेट सपोज ट्यूबलाइट है, बल्ब है, जो लाइट एमिट करते हैं। वो अप्लायंसेस लाइट एमिट करते हैं तो वो जो एमिटेड लाइट रेज होती हैं वो हमारे जो आसपास जितने भी चीजें हैं या जितनी भी थिंग्स हैं उन पे जाके स्ट्राइक करती है। और आफ्टर स्ट्राइकिंग दैट थिंग वो लाइट रे हमारी आईज में एंटर करती है और उसी लाइट रे की वजह से वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। सो जब भी इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर होता है या लाइट चली जाती है, हम बेसिकली कुछ टाइम के लिए हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते ड्यू टू द डार्कनेस इन द रूम। सो अर्लियर क्या था, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट थी जिसकी वजह से लाइटनिंग प्रेजेंट थी और उसी लाइटनिंग की वजह से वी आर एबल टू व्यू द थिंग्स प्रॉपरली। अब ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर वो पावर सप्लाई बंद हो गई जिसकी वजह से जो लाइट एमिटिंग सोर्स थे उन्होंने लाइट एमिट करना बंद कर दिया और उसकी वजह से हम दूसरी जो भी थिंग्स थी या जितनी भी चीजें हमारे और सराउंडिंग में थी उन्हें देखना, वो दिखना भी हमें बंद हो गई। सो दैट व्हाट इज अ लाइट। अगर मैं सिंपल टर्म्स में इस चीज को डिफाइन करूं सो आप कह सकते हैं दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्साइट्स आवर सेंस ऑफ साइट। एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो बेसिकली एक्साइट करती है हमारी सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ साइट मींस योर आई। आई से यहां पे हमारा मतलब है कि हम चीजों को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लाइट वी आर एबल टू सी द थिंग्स। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है, लेट सपोज जब भी लाइट हमारे आईज में एंटर करती है तो वो लाइट बेसिकली किसी सोर्स से निकल रही होगी। This is the source. अब इस source से हमारी light rays निकलती हैं like this. This source emit the light ray in all the direction. हर direction में ये अपनी light ray emit करता है. This is our light rays. इस source को इस पूरे chapter में जो भी हमारे light emitting source होंगे, चाहे वो direct हो या indirect हो, इन सभी सोर्सेस को वी विल कॉल एज एन ऑब्जेक्ट। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं सो यू कैन डिफाइन ऑब्जेक्ट इट इज द सोर्स ऑफ लाइट
via direct emission or due to reflection. So ऑब्जेक्ट हमारे बेसिकली इस चैप्टर में वी विल यूज दिस टर्म्स ऑब्जेक्ट मेनी टाइम्स. हम इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट काफी जगह पे यूज करेंगे. सो ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है बट एक ऐसा सोर्स है लाइट का जो डायरेक्ट एमिट करता हो लाइट या फिर एमिट करता हो ड्यू टू रिफ्लेक्शन. अब डायरेक्ट और ड्यू टू रिफ्लेक्शन वाले सोर्सेस में यहां पर डिफरेंस क्या है? So, let's discuss some source of light. Okay? अगर मैं आपसे बात करूं कि source of light इसको हम categorize करते हैं दो categories में. एक होते हैं direct, दूसरे होते हैं indirect. So, हम बेसिकली सन को देखते हैं. सो सन इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट. सन की रेज जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीजें हैं उस पर स्ट्राइक करती है और वही लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग दोज थिंग्स एंटर इनटू आवर आईज, जिससे कि हम वो चीजें क्लियरली देख पाते हैं. सो सन इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. इसके अलावा वी सी स्टार्स, ओके, देन वी हैव अदर थिंग लाइक ट्यूब, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट हैं. अब इनडायरेक्ट सोर्स की बात करते हैं. इनडायरेक्ट सोर्स मतलब दैट इज एमिटिंग लाइट ड्यू टू रिफ्लेक्शन और सम अदर प्रोसेस. कि वो जो लाइट एमिट कर रहे हैं वो कर तो रहे हैं लाइट एमिट बट वो लाइट उनकी खुद की नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मून. मून बेसिकली ग्लो करता है ड्यू टू द लाइटनिंग फ्रॉम द सन. सो मून इज अ सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट लाइटनिंग. ओके, सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सोर्सेस ऑफ लाइट. ओके, सो मेक अ नोट ऑफ इट. सो अब हमने बात करी लाइट एमिटिंग सोर्सेस की जो थे ऑब्जेक्ट्स. अब इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो जो पहला टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हम नेम करते हैं एज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ही बोलते हैं बिकॉज दे आर द लाइट, डायरेक्ट लाइट एमिटिंग सोर्स. सो The object which emit their own light, एक ऐसा object या एक ऐसा source जो अपनी खुद की light emit करे उसको हम बोलते हैं direct object, direct light emitting object, light will also come over here, और उसको बोलते हैं luminous object. Don't be get confused. Luminous and direct light emitting sources are और लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट आर सेम. सो इसके एग्जाम्पल हैं योर सन, योर ट्यूबलाइट एसेट्रा. सिमिलरली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की तरह वी हैव नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो. नॉन ल्यूमिनस आर बेसिकली द इनडायरेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट तो करते हैं बट नॉट ऑफ देयर ओन. सो द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. इसके एग्जाम्पल्स हैं योर मून. मून इज द फेमस एग्जाम्पल. फिर है प्लैनेट्स और जितनी भी चीजें हमारे नियर बाय हैं जो लाइट एमिट नहीं करती बट वी आर एबल टू सी देम लाइक टेबल, चेयर एसेट्रा. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स.
फिर हम आते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स पे. ओपेक ऑब्जेक्ट्स बेसिकली एक ऐसे ऑब्जेक्ट या इस एक ऐसे कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने अंदर से लाइट रे को पास नहीं करने देते. फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम बात करें कि हमारे पास एक बाउल है लाइक दिस, उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है और ये लिक्विड काफी डेंस है. यहां से हमारे एक सोर्स ने लाइट एमिट करी. सो ये जो लाइट रे है आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस बीकर और बाउल इट वोंट बी गेट पास थ्रू इट, ये इसके अंदर से पास नहीं कर पाएगी बिकॉज इट इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक मीन्स नॉट वेरी मच क्लियरली. सो इससे क्या होगा, जितने भी अमाउंट ऑफ लाइट यहां पे आ रही है उसकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लाइटनिंग है वो जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है इस बीकर के अंदर वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और ड्यू टू दिस एब्जॉर्प्शन जो हमारी लाइट रे है वो दूसरे एंड पर पास नहीं हो पाएगी. ऐसे ऑब्जेक्ट्स को वी विल कॉल एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स. अगर मैं साइंटिफिक टर्म की डेफिनेशन की बात करूं यहां पे तो आप कह सकते हैं इट डज नॉट अलाउ एनी लाइट रेस टू पास थ्रू इट, ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट कैन पास. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लाइट इस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर के पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओनली जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स के थ्रू हमारी लाइट बच जाती है वो ही यहां से पास कर पाती है. दैट्स व्हाई मैंने लिखा है ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट कैन पास. ओके, और लास्ट हमारे पास है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. सो इन transmit most of the light falling on it. Like opaque objects, we have a transparent object. Iska famous example hai your glass slab. So glass slab aap kabhi bhi dekhoge to usme jo most of the lightning hoti hai wo us glass slab ke through pass kar jati hai, but kuch jo lightning hai wo nahi kar pati because jo glass slab ke मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो दीज आर द सम कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर. अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में. नेचर ऑफ लाइट, सो यहां पे कुछ पॉइंट ऑलरेडी लिस्ट मैंने करे हैं जो बेसिकली लाइट के नेचर के बारे में हमें बताते हैं. सो लेट्स डिस्कस. सो जो पहला पॉइंट है वो कहता है दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट जो होती है हमारी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है विच डू नॉट कंटेन एनी पार्टिकल, जिसमें कोई पार्टिकल नहीं होता एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. एनी मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन से हमारा यहां पे क्या मतलब है, दैट लाइट डोंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम. अब मीडियम क्या होता है, मीडियम होता है हमारा कोई भी एक सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्लास लिया जो फिल्ड था वाटर से आधा और आधा खाली था. बेसिकली जो हम इस रूम में हैं हमारे पास हम सराउंडेड है एयर से, एयर भी एक मीडियम है. सो एक ऐसी चीज जिससे भी वो लाइट रे पास होती है और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो उस लाइट रे को ट्रेवल करने में या पास करने में हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं मीडियम. अगर लाइट रे एक चीज को स्ट्राइक करके हमारी आईज में जा रही है तो वो चीज कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल टेबल हो, ग्लास हो या कुछ भी हो, या वाटर हो, एयर हो. सो वाटर भी एक मीडियम है, एयर भी एक मीडियम है और ग्लास भी एक मीडियम है, सारी चीज मीडियम है. सो
पहला पॉइंट हमको कह रहा है दैट लाइट बेसिकली हमारी बनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। उस हमारी लाइट रे को ट्रेवल करने के लिए कोई पार्टिकल या मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। जो हमारी लाइट की स्पीड होती है किसी भी मीडियम में, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, ग्लास हो या कोई भी मीडियम हो, डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पे कि वो मीडियम का नेचर कैसा है। और उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यहां पे गिवन है, v इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। v तो है हमारी स्पीड ऑफ लाइट, म्यू हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, इन दैट मीडियम, उस मीडियम में लाइट की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, उस मीडियम की फ्रीक्वेंसी क्या है, और लैम्डा हो गया हमारा वेवलेंथ। इनकी भी अपनी अपनी यूनिट्स होती है, लैम्डा जो वेवलेंथ है वो हमारी होती है मीटर में, और फ्रीक्वेंसी होती है हमारी हर्ट्ज में, जिसको हम Hz से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट वेरी करती है, किसी में ज्यादा होती है तो किसी में कम होती है, that we will see in next point. अगला point बोलता है that vacuum, in vacuum the light travels the fastest. Vacuum में light की speed सबसे fast होती है, जो कि कितनी होती है 3×10⁸ meter per second. अगर आप इस speed को measure करने जाएंगे then you will find out it is really very 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 fast. So vacuum में हमारी light को, हमारी लाइट जो होती है सबसे फास्ट ट्रेवल करती है, बिकॉज उसमें कोई पार्टिकल या मॉलिक्यूल नहीं होता इन ऑर्डर टू डिस्टर्ब द पाथ ऑफ लाइट। और आप और सिंपल वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि कोई पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स नहीं होता जो कि लाइट एनर्जी जो ट्रेवल कर रही है उस स्पेस में, वैक्यूम स्पेस में, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए। सो दैट्स व्हाई लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम। लास्ट पॉइंट यहां पे कहता है द वेवलेंथ range of visible light is about 4×10⁻¹⁷ meter to 7×10⁻¹⁷ meter. जो light ray हम देख पाते हैं उसकी range basically 4×10⁻¹⁷ meter से लेके 7×10⁻¹⁷ meter तक lie करती है। So these are some of the important points about the nature of light. तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सो समझते हैं ये क्या होता है। द प्रोसेस इन विच द लाइट रे मीटिंग द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया बाउंस बैक टू स्टे इन द फर्स्ट मीडियम। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी लाइट रे एक मीडियम में जो प्रेजेंट है ऑलरेडी, वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाए तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, और यू कैन से द प्रोसेस इन विच द लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस
सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग मीडियम bounce back in the same medium. इसको समझने के लिए लेट्स ड्रॉ डायग्राम ओवर हियर. लेट्स सपोज ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. लेट्स सपोज ये एक हमारा मिरर है. अब इस मिरर पर एक लाइट रे बेसिकली इस डायरेक्शन से आकर स्ट्राइक करती है लाइक दिस. ओके, सो ये एक रिफ्लेक्टिंग मीडियम है. सो इसके अलोंग विल ड्रॉ अ नॉर्मल लाइक दिस. सो ये लाइट रे जब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेगी, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट विल बाउंस बैक इन द सेम मीडियम. ये हमारा मीडियम वन है. और ये हमारा मिरर के पीछे है मीडियम टू. ये जो लाइट रे है ये जब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करती है तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंडर मूव नहीं करती, बल्कि उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद इट विल बाउंस बैक. सो दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. सो दिस इज योर इंसिडेंट रे आई एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे आर. सो जब भी कोई लाइट रे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लाइट रे एक मीडियम के एक दूसरे मीडियम के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाए जिस मीडियम में वो ऑलरेडी थी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब हमसे ये तो समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, बट इससे फर्क क्या पड़ता है, लेट्स सी. ड्यू टू रिफ्लेक्शन Due to reflection of light, the velocity wavelength and frequency of light will remain same. As it is in the same medium. Same medium, or you can say same media, but only the amplitude and intensity will get changed. हम ये कह रहे हैं कि जब भी रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है किसी भी मीडियम में, तो हमारी जो वेलोसिटी होती है लाइट की, वेवलेंथ होती है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा सेम रहती है. क्यों? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन आल्सो जो हमारी लाइट रे है वो सेम मीडियम में ही है, वो मीडियम टू में नहीं मूव करती, वो सेम मीडियम में ही रहती है, विच इज मीडियम वन. बट क्या चेंज होता है? हमारा चेंज होता है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ लाइट.
इंटेंसिटी कैसे चेंज होती है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइट रे आई फुल इंटेंसिटी के साथ अपनी, और इसने आके इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करा यहाँ पर। सो जब कोई लाइट रे इनिशियली किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है, ड्यू टू दिस स्ट्राइकनिंग उसकी जो कुछ एनर्जी होती है वो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये उस लाइट रे को वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करता है। एंड ड्यू टू दिस सम एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एट दिस पॉइंट, यहां पे जो एनर्जी हमारी कुछ एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई उसी एनर्जी की वजह से जो रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी होती है वो इनिशियल इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी से कम हो जाती है। और दूसरी चीज है एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड इंसिडेंट लाइट रे का होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड बैक लाइट रे। सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पे मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि एक रे ऑफ लाइट में और बीम ऑफ लाइट में डिफरेंस क्या होगा? रे ऑफ लाइट अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अ रे ऑफ लाइट, उसका मतलब हमेशा यह होता है जो रे होती है वो हमेशा डायरेक्शन डिनोट करती है लाइट रे का, इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। डायरेक्शन ऑफ लाइट, फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारी रे है, इस डायरेक्शन में हमारी एक लाइट रे मूव कर रही है, सो दैट्स अ दैट बेसिकली डिफाइन्स द डायरेक्शन। बट अगर मैं आपसे बोलूं बीम, सो कभी भी अगर लाइट की बीम होती है तो बीम में एक लाइट तो नहीं होती। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यू जस्ट स्विच ऑन द टॉर्च, जब भी आप टॉर्च ऑन करते हैं तो टॉर्च में से जो लाइट रे निकलती है वो बीम की फॉर्म में निकलती है, उसमें एक लाइट रे तो नहीं होती। मैं ये तो नहीं बोलूंगा टॉर्च को ऑन करके कि लाइट रे बेसिकली मतलब ये दिस द बंडल ऑफ लाइट रेज। लाइट रे क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन, कि आर टॉर्च रे इज इन दिस डायरेक्शन। बट अगर मैं बीम की बात करूं, द बीम ऑफ अ टॉर्च, सो बीम में होता है बंडल ऑफ लाइट रेज। सो बीम इज दी बंडल ऑफ लाइट रे। सो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, लाइट रे डिनोट्स द डायरेक्शन, बीम डिनोट्स द बंडल ऑफ लाइट रे।